ये मेरे कॉलेज का टॉपर है। तो आज मेरा वर्कशॉप का प्रैक्टिकल, इसलिए मैं साइकिल से चला जाता हूँ कॉलेज जाने के लिए। लेकिन बस ने आज ना आकर मुझे अपनी औकात दिखा दी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं टेम्पो से जाते हुए रास्ते में देखता हूँ कि एक पिकअप पलट गई होती है, जो काफी देख कर बुर लगता है। इसलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हाईवे पर गाड़ी थोड़ा आराम से चलाई करिए, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अनु बिना के इतना बड़ा स्कैम एक्सपोज किया कि मैं देखकर हैरान हो गया। वहाँ पर मैंने देखा कि लोग पिछले साल की फाइल को लेकर अपने फाइल कंप्लीट कर रहे थे भाई लोग, उन्होंने अपनी फाइल में दूसरे की फाइल की पेज अपनी फाइल में लगा रहे थे लोग। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये देख तो ये लड़का यही लगा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम इंजीनियर है भाई साहब, हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू ऑल थिंग्स। लेकिन एक इंजीनियर ऐसा भी है जो फ्री फायर खेल कर भी क्लास में टॉप कर देता है। जी हाँ, ये आप देख सकते हो फ्री फायर खेल रहा है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, ये टॉप कर देता है। सौरभ सर, क्या हाल चाल है? हरे भरे कर रहे हैं पेड़ को। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हम लोग के नंबर के नाम पे कुछ भी करवा जा रहा है भाई। हमें नंबर चाहिए ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये क्या आप हमसे पूरा स्कूल पेंट करवा देंगे? गलत बात है भाई साहब। और नंबर के नाम पे हम लोग मासूम से बच्चों से पूरा स्कूल पेंट करवाते हैं। नहीं नहीं, पूरा स्कूल नहीं, गेट और ये पर करवाते हैं। पे आज हमारे कहने का मतलब ये है, देखो साफ को साफ करना तो सब करते हैं, ये गंदे को साफ करके दिखाओ तब माना जाता है। ये हमारे क्लास ओझा मोटिवेशन, ओझा मोटिवेशन बस। ये हमारे क्लास के सीआर हैं, ये कर सकते हैं तो आम बच्चे। और नंबर के लिए ये लोग बच्चों को देख सकते हो किसी एक दिहाड़ी मजदूर की तरह लोग पेंट कर रहे हैं। ये एक छोटा बालक चश्मा लगा के काफी खुश नजर आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जिंदगी ऐसी ही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वरुण भाई ने पूरा एक पेड़ ही पेंट कर दिया। उसके बाद आता है बदला लेने का। जी गाइस, हम लेंगे बदला। इसलिए हम पूरे कॉलेज में घूम घूम कर हम देखते हैं कौन सी फाइल खाली पड़ी हुई है, और वो फाइल अपने बैग में हम रख लेते हैं। ओके, उसके बाद प्रैक्टिकल खत्म करके मैं चलाता हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए, ताकि मुझे घर जाना होता है। फिर ट्रेन में बैठ कर मैं चलाता हूँ घर के लिए, फिर मैं पहुंच जाता हूँ नंदगंज, फिर नंदगंज साइकिल लेकर मैं चलता हूँ घर के लिए। तो गाइस, आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड ये रहे कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स। ये देखते हो आप।